नमस्कार, डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रखौली विस्तार में हुए ऑटो रिक्शा चोरी के मामले में ऑटो रिक्शा के साथ तीन आरोपी को दादरा नगर हवेली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि नए ऑटो रिक्शा रखौली विस्तार के मधुबन होटल के सामने पार्क किया था, उसकी चोरी हो जाने की शिकायत भरत हरि पाटिल ने दर्ज कराई थी। इस मामले को दर्ज करते हुए एसपी राजेंद्र प्रसाद मीना तथा एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन के मार्गदर्शन में जांच शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी गुड्डू पंचदेव साहू को गिरफ्तार किया। इसके बाद पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल करने के बाद अन्य आरोपी के नाम बताए, जिसके आधार पर पुलिस ने राहुल विजय सोनी तथा भंडार राज बाबू रियाज शब्बीर मौलाना शेख को ऑटो रिक्शा के साथ गिरफ्तार किया। हर एक खबर हमने आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप देखते रहिए डीएनएच न्यूज लाइन। अगर अभी तक आपने डीएनएच न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि दादरा नगर हवेली दमन दीव एवं आसपास के सभी खबरों से मैं आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद।